कि उद्धव जी ये तो होना ही था, आपकी घमंड चूर चूर हो गई। शालिनी राजपूत वाला मामला जो 2.5 साल से चल रहा है, इस मामले में आप सबको एक चीज बहुत चौंका सकती है। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर प्रियंका सिंह जी का एक बार ट्वीट निकल के आया था और इस ट्वीट के नीचे ही कुछ कमेंट्स आए थे, जिस कमेंट्स के बीच में एक ऐसा कमेंट आया जिसने सबको चौंका दिया था। एक डॉक्टर है जो US में है, उन्होंने शुरुआत 2020 में भी एक कमेंट किया था और वो कमेंट आज तक रोटेट हो रहा है सोशल मीडिया पर। उस कमेंट में सुशांत को लेकर जो बातें लिखी हुई हैं वो बातें आपको चौंका सकती हैं, मुझे चौंका दी हैं जिन बातों ने, और मैं चाहूँगा एक बार आप उस कमेंट को रीड करिए और वो रीड करने के बाद आप सही में चौंकने वाले हैं। आपको बता दिया जाए, जिस तरीके से 2020 के बाद सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जांच हो रही है, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, इस मामले में कई ऐसे खुलासे शायद हो सकते हैं। अब वो कब होंगे कोई नहीं जानता, पर ऐसा दावा हो रहा है कि वक्त आने पर अगर खुलासे हुए तो बहुत शॉकिंग खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दिया जाए, एक कमेंट जो कमेंट किया था डॉक्टर राजू वाधवा, ये डॉक्टर जो है ये कहा जाता है कि इंटरनल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं US में, और इन्होंने सुशांत के सोने के बाद जब कमेंट किया था तो उस कमेंट के नीचे कई बड़ी बातें लिखी थी, जिसमें सबसे पहले इन्होंने जो कमेंट में लिखा उनका कहना था कि सुशांत के ऊपर स्टन गन के निशान थे, दो स्टन गन के निशान थे या फिर टीजर इलेक्ट्रिकल बर्न के मार्क थे, मतलब या तो स्टन गन के मार्क थे उनके गले पर और लेफ्ट साइड की नेक पर, या फिर टीजर इलेक्ट्रिकल बर्न मतलब जिससे उनके लेफ्ट साइड का जो नेक था उसमें कहीं ना कहीं पहले जलाया गया। इसके बाद वो लिखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो लेफ्ट साइड था वो पैरालाइज हो चुका था। जी हाँ, इन्होंने ये कमेंट में लिखा है, हम दावा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है, कमेंट में ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद ये लिखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को हाई वोल्टेज दिया गया था जिसकी वजह से उनका लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया और इसी की वजह से उनकी जो लेफ्ट साइड की आँख थी वो ऊपर रह गई थी। और साथ में इन्होंने एक बात और लिखी थी कि 7 क्रेनियल नर्व्स होती है, मतलब फेशियल जो नर्व्स होती हैं वो पैरालाइज हो गई थी जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत की लेफ्ट आईज जो थी वो ओपन रही थी। इसके बाद वो कहते हैं कि सुशांत को शायद इसलिए पहले पैरालाइज किया होगा कि बाद में वो अपनी सुरक्षा के लिए फाइट ना कर पाए, मतलब कोई उनके साथ कुछ भी करे वो खड़े ना हो पाए, इसलिए ये सब चीज़ें की होंगी, ऐसा ये दावा करते हैं, जो बात कमेंट में आप पढ़ रहे होंगे। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि स्टन गन जो होती है वो सबके पास नहीं होती है, और ये आप जानते हैं, अगर आप रिसर्च करेंगे कि इंडिया में स्टन गन किसके पास है या फिर किसको अलाउ होती है तो आपको पता लगेगा बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, वो भी बहुत हाई प्रोफाइल लोग जिनके पास या जिनको अलाउ हो सकती है स्टन गन। तो स्टन गन अगर ये निशान बता रहे हैं कि स्टन गन के निशान हैं, तो फिर कौन हाई प्रोफाइल शख्स हो सकता है जो स्टन गन को अवेलेबल करा सकता है? अगर ये बात सच है तब की हम बात कर रहे हैं, वरना तो ये मामला किस तरीके से चल रहा है ये आपके सामने ही है। आगे इन्होंने लिखा कि USA में भी एक बार ऐसा ही मामला हुआ था जहाँ पर एक नेवी सेल के पर्सन को स्टन गन से ख़त्म किया गया, उस मामले को सिंपल सुसाइड मामला बोल दिया गया, और जब जांच हुई इस पूरे मामले में तो पता लगा वो मामला 302 का था, मतलब वो मामला जो था वो मर्डर का था। तो यहाँ पर इन्होंने जो कमेंट करा है बहुत ही शॉकिंग कमेंट है, और इनसे पहले प्रियंका सिंह जी ने जो कमेंट किया था उसमें वो लिखती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो PM हुआ था, ऑटोप्सी हुई थी, उसमें गड़बड़ थी, मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत में हैशटैग के माध्यम से वो बताती रहती हैं कि उनकी जो ऑटोप्सी है जो उसमें गड़बड़ दिख रही है, तो उसका गड़बड़ होने का मतलब साफ है कि अगर ऑटोप्सी में गड़बड़ लिखा हुआ है, गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तो ये मामला कुछ और था, दिखाया कुछ और गया, बताया कुछ और गया। तो सवाल ये उठता है कि जो राजू वाधवा हैं, जो US के डॉक्टर बताए जाते हैं, US में अभी ये इंटरनल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके जो बड़े दावे हैं ये बहुत चौंका सकते हैं हम सबको। सोचिए, स्टन गन के बारे में तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। ये जो इनका मैसेज है ये 2020 में पहले वायरल हुआ था और उसके बाद से ये लगातार ट्विटर पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लगातार कहीं ना कहीं आपको रोटेट होता वो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो मैं चाहूँगा कि अगर आप किसी से कंफर्म करना चाहें तो एक बार करके देखिएगा क्या जो ये बोल रहे हैं, क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम कुछ भी दावा नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता, हम आपसे उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये बात में कुछ दम है तो आप बताइए, आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट्स में। पर जिस तरीके से ये मामला 2.5 साल से चल रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2.5 साल से मामला चल रहा है, एजेंसी जांच कर रही है, उसके बाद भी आज तक कुछ निकल के ना आना, कई बड़े सवाल उठाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में हो क्या रहा है। इतनी बड़ी एजेंसी जांच कर रही है, चाहे फिर OED हो, NCB हो, साथ में CBI हो,
एनसीबी ने अभी हाल ही में एक रिप्लाई कर दिया जहां पर उनका कहना था कि वो वॉइस सैंपल ले रहे हैं, 8 लोगों की उनको परमिशन मिल गई है। और यहां तक कि हमारे देश की मीडिया, कई मीडिया ये छाप रही है कि 7 लोगों की परमिशन मिली है, कई लिख रही है कि 8 लोगों की परमिशन मिली है। अब वो परमिशन अभी तक जो मिली थी, क्या उसकी रिकॉर्डिंग, जो वॉइस रिकॉर्डिंग लेनी थी वो ले चुकी है एनसीबी की टीम, क्या उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, पता नहीं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2.5 साल से काम होता हुआ दिखा है, लगता तो नहीं है कि अभी तक इतना कुछ हो गया होगा। हो सकता है आने वाले वक्त में वॉइस सैंपल लिए जाए, फिर उसके बाद आने वाले वक्त में उस वॉइस सैंपल के जो रिकॉर्डिंग्स लिए गए हों उनको कंपेयर किया जाए, फिर आने वाले वक्त में वो कंपेयर किए हुए वॉइस सैंपल का रिजल्ट बताया जाए। अब वो कब वक्त आएगा ये कोई नहीं जानता, पर ये मामला जितने ढीले तरीके से आगे बढ़ रहा है, आज भी देश की जनता सवाल उठा रही है, जवाब मांग रही है, और ख़ास करके अपने देश के पीएमओ से लेकर, उन्होंने डायरेक्टली पीएम जो है हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी सवाल पूछे कि आखिरकार क्यों हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, क्यों एक देश के युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों आखिरकार देश के युवा की एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं सुनी जा रही है जो पिछले 2.5 साल से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत, आज उस शख्स के बारे में बात ही कोई नहीं करता। तो इस बात को लेकर आज भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो है वो पीएमओ में लेटर भेजते हैं, वो पीएमओ से जवाब मांगते हैं, डायरेक्टली सीबीआई ऑफिस तक फ़ोन कर देते हैं। अब मानिए इस बात को, कुछ ही दिन पहले मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन थे वो, और आज से नहीं 2020 से वो इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं। डायरेक्टली उनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, वो बात करने के लिए डायरेक्टली सीबीआई ऑफिस फ़ोन करते हैं कि सर आप अभी इस पूरे मामले में जांच क्यों नहीं कर रहे हो, आखिरकार क्यों सीबीआई कोई अपडेट नहीं दे रही है। सोचिए इस हद तक सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले लोग आज भी मौजूद हैं, जो डायरेक्टली एजेंसीज को कॉल करते हैं कि सर क्या हुआ इस मामले का, कहां तक पहुंची जांच, क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो अगर एक शख्स के लिए इतने फैंस खड़े हों तो मामला तो कभी नहीं रुकेगा, पर जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अभी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लगे हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए, तो लगता भी नहीं है कि वो रुकने वाले हैं सुशांत को न्याय दिलाने से पहले। देखने वाला विषय होगा कि इस मामले में अगली अपडेट कब निकल के आएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मामले आगे बढ़ रहे हैं इसमें सवाल और बढ़ते जा रहे हैं। अब उन सवालों का जवाब कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, पर उम्मीद मत होइएगा, उम्मीद पे दुनिया का है, हमें हम उम्मीद करेंगे कि आप भी इस मामले के साथ जुड़े रहिए, ताकि कहीं ना कहीं एक शख्स को न्याय मिलेगा तो कई लोगों को जवाब मिलेगा, और आने वाले वक्त में कभी भी ऐसा केस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि रूप कुमार शाह जी के निकलने के बाद, साथ में बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी जी की कई ट्वीट्स के बाद, अब तो यही लगता है कि उनकी बातों में क्या बहुत बड़ी सच्चाई है जो आज तक सामने निकल के नहीं आई है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, मैं चाहूँगा अपनी राय जरूर रखिए। तो क्या कहेंगे आप, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।